बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनकी समय पूर्व रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। गैंगस्टर से नेता बने आनंद मोहन सिंह को तुरंत अपना पासपोर्ट जमा करने को कहा गया है। साथ ही कहा गया है कि स्थानीय पुलिस थाने में हर पखवाड़े यानी 15 दिनों पर रिपोर्ट करें। मारे गए IAS अधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी ने याचिका दायर की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि प्रतिवादी नंबर 4 यानी आनंद मोहन सिंह को अपना पासपोर्ट स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा करने का निर्देश दिया जाता है और वो हर पखवाड़े उस पुलिस स्टेशन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पीठ में न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन भी शामिल थे। पीठ ने ये कहते हुए कि वो आगे कोई अवसर नहीं देगी, केंद्र सरकार से कहा है कि अगर जरूरी हो तो 1 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करें। मारे गए नौकरशाह की पत्नी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लुथरा ने केंद्र के 4 सप्ताह के अतिरिक्त समय के अनुरोध का विरोध किया और कहा कि मामले को किसी न किसी कारण से पीछे नहीं ढकेला जा सकता है। लुथरा ने कहा है कि केंद्र सरकार को पिछले साल मई में एक नोटिस जारी किया गया था और याचिका की एक प्रति भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को भी सौंप दी गई थी। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को तय की गई है। पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 फरवरी 2024 को तय की थी। पीठ ने कहा है कि वो 27 फरवरी को मामले में अंतिम सुनवाई करेगी और दलीलें पूरी करने के लिए दोनों पक्षों को अधिकतम 60 मिनट का समय मिलेगा। आनंद मोहन के वकील ने पीठ से पासपोर्ट जमा करने और थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। पीठ ने कहा है कि उसने अन्य मामलों में प्रतिवादी यानी आनंद मोहन सिंह की संलिप्तता को देखते हुए ये आदेश पारित किया है। पीठ ने केंद्र के वकील से 1 सप्ताह के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि बिहार जेल नियमावली में संशोधन के बाद आनंद मोहन सिंह को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया था। मारे गए IAS अधिकारी की पत्नी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि बिहार सरकार ने 2012 के बिहार जेल मैनुअल में पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आनंद मोहन सिंह को छूट का लाभ मिल जाए।